मध्य प्रदेश के भाजपा के कद्दावर विधायक एवं पूर्व पंचायत मंत्री और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की रहली विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शासकीय लाभ के लिए लड़के पक्ष द्वारा कन्यादान योजना में पुनः विवाह करके शासकीय योजना का लाभ लिया गया और सरकारी विभाग ने बिना किसी जाँच के फर्जीवाड़े को प्रोत्साहन राशि भी दे दी। दहेज के ऐसे हम पूछ ही ने तो लड़की को बैठा दे रोज दिन पता चलो क्या लगे कही लड़की सम्मेलन में नहीं बैठा रहोगी तो घरे ले जाओ हमें नहीं रख पैसे चाहे ने सब ने कही भाई के बैठा ले दहेज की लालच में तो बैठा ले मतलब के भी पैसा मिल जाए इनका फिर से पुनः विवाह किया गया। हाँ फिर की सके जी हमारा डबल निकाह किया गया है, मई डबल बार शादी की गई है। पहले हमारी घर से शादी हुई थी, हमारे माँ बाप ने सारा सामान घर बेच के शादी की थी हमारी, मतलब कि हर चीज दी थी हमारे माँ बाप ने, हर छोटी बड़ी चीज। फिर और 5 लाख रुपए नगद भी दिए थे उन्हें, फिर भी उन्होंने दहेज के लालच में हमारी शादी फिर से डबल निकाह वहाँ पे करवाया। कड़ाकोटा में सम्मेलन हुआ था, गोपाल भार्गव जी ने करवाया था सरकारी सम्मेलन, तो वहाँ पे की। और बल्कि हमारे माँ बाप भी इसके लिए राजी नहीं थे, उन्हें तो पता भी नहीं था। हमारे साथ हमने मना किया तो हमारे साथ मारपीट की और हमें जान से मारने की धमकी देने लगी कि अभी से नहीं रखेंगे हम। और हमारी शादी को कुछ दिन नहीं हुए थे, 2-4-8 दिन ही हुए थे और ये लोग हम मारपीट करने लगे कि बैठो, तो फिर उस दबाव में आके हम वहाँ पे चले गए शादी।